हेलो फ्रेंड्स, अब आज मॉर्निंग जा रहे हैं हम वॉकिंग रूटीन। वैसे भी आप जानते हैं कि वॉक करना बहुत ज़रूरी है अपने हेल्थ के लिए, अपनी सेहत का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। सो आज की जो मेरी ब्लॉग आएगी गाइस, देख लेना आप, और दिखाती हूँ मैं अपने बच्चों को, देखिए वो भी मेरे साथ साथ आते हैं। एक दिन भी हो छुट्टी नहीं मिलता, आप भागे भागे बस यहाँ पे वॉकिंग जॉगिंग, वो ज़रूरी है एक्चुअली, कंपल्सरी होना चाहिए। सो देखिए और ये ब्यूटीफुल ये प्लेस जो है ना, एक्चुअली सीरियसली बहुत ब्यूटीफुल है। यहाँ पे एक मंदिर भी है, आप देख सकते हैं, और मैं आपको पूरा दिखाती हूँ, देखिए। आज मैं बनाने वाली हूँ पोहा। सो ये जो है मेरा ब्रेकफास्ट, मैंने पोहा बनाने के लिए मैंने ऑलरेडी सब कुछ प्रिपेयर कर लिया था। पहले सबसे इसे ब्राउन करना है, और यहाँ पे कुछ इस तरह से सब कुछ कट कर लेते हैं। और ये मैं बनाऊंगी ऑमलेट, ये वाला ऑमलेट के लिए है। मैंने यहाँ पे वाटर बॉइल किया है, मेरे बच्चों को बहुत ज़्यादा कोल्ड हो गया, तो फिर मैं ये वाटर बॉइल करके यहाँ पे पोर करूँगी। ये है मिल्टन का, ये है मिल्टन थर्मा स्टील, और ये है मैंने ब्रेड मंगाई है अपनी ब्रिटानिया की। जस्ट वाटर इसमें पोर कर दूंगी, तो ये काफी टाइम तक ये जो है आराम से गर्म रहेगा। सो बाकी हमें इसे कवर कर देना है ऐसे। हमें यहाँ पे पोहा है जो ये मैंने कवर कर दी है। अब ये मैंने एग है यहाँ पे, बाकी के मैंने चाय वगैरह बना ली है। पोहा को यहाँ पे मैंने स्ट्रेन करने के लिए रख दिया है। सो ये अच्छे से इसको मैं भिगो दिया था, ये थोड़ा सा और सॉरी स्प्रेड हो जाए तो मैं इसे बनाऊंगी। सो ये मेरी बेटी कस्तूरी सुबह सुबह उठ के आई है ब्रेकफास्ट रेडी करने के लिए, मेरी हेल्प करेगी। तो कस्तूरी क्या करने वाले हो बेटा, फोड़ोगे? चलो फोड़ो। सो यहाँ पे इसने लिया है विस्की, एंड यहाँ पे हम यहाँ पे एग फोड़ेंगे। ये मेरी कस्तूरी है, मेरे हेल्प करेगी। स्पून लेना है, सबसे पहले आपको इस तरह से फोड़ना है एग। या वेरी गुड गुड। सो कस्तूरी मेरी हेल्प करेगी बहुत अच्छी तरह से। अब मैं लेके चलती हूँ अपना पोहा, ये रहा मेरा पोहा, और अब मैं इसे इसमें डालूंगी पोहा को। सबसे पहले मैं इसमें ना अब कुछ इस तरह से मैंने इसमें पहले हल्दी डालना है, और ये अच्छा कलर आ जाएगा। तो हाफ हाफ टेबल स्पून जो है वो आप तरह से ऐड कर दीजिए, और इसे चला लेते हैं। और गैस बहुत ही स्लो है गैस, इस तरह से और इसमें अच्छी तरह से मिल जाए। अब उसके बाद हम डालेंगे हमारा पोहा। इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। यस, कोई बात नहीं, कस्तूरी का थोड़ा सा एक गिर गया है, चलो कोई नहीं कोई बात नहीं। ये है ब्रेकफास्ट। और गाइज आप कैसे अपना पोहा बनाते हैं प्लीज मुझे बताइए। मुझे तो इस तरह से ही पोहा बनाने आता है। और इसमें हम ये भी डाल सकते हैं, शेंग दाना डाल सकते हैं, शेंग नाना मुंबई स्टाइल। सो ये तो हो जाता है हमारा इंस्टेंट एक्चुअली। और आप लोग किस तरह से बनाते हैं आप प्लीज़ बताइए मुझे, एंड कमेंट ज़रूर करना। सो पूरी ब्लॉग देखना आज मेरी, ये मैंने मॉर्निंग स्टार्ट किया है संडे मॉर्निंग। और संडे मॉर्निंग में मैं मतलब
संडे यूजुअली मैं क्या करती हूँ, तो कभी कभी समटाइम्स पोहा होता है, कभी इडली होता है, तो ये सारी चीज़ें मैं बनाती हूँ और इसे अच्छी तरह से इसे मिक्स करना है। बहुत ही अच्छा एक्चुअली ये कलर आया है। सो अब हम इसमें डालेंगे, अब मैं इसमें 1/2 टेबल स्पून सॉल्ट ऐड करूँगी और ये जो 1 टेबल स्पून है यहाँ पे शुगर ऐड करूँगी बस, और सॉल्ट एक्चुअली थोड़ा ज़्यादा ले लेते हैं और भी यहाँ पे ऐड करना है। दैट्स इट, ये हो गया। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। पानी पूरी एक अच्छा, एक शेल्स में हम पानी पूरी का ये चैलेंज कर सकते हैं क्या आज? अब हमारा गोलगप्पा चैलेंज भी आएगा गाइस, सो ये मैं अपने बेटियों के साथ में करूंगी। उसके बाद जो भी है ये कोरिएंडर होता है हमारा, आप स्प्रिंकल कर लीजिए अच्छी तरह से, इस तरह से। ये हमारा पोहा हो गया है रेडी। ये कस्तूरी ने अभी कुछ इस तरह से अपना कर लिया है एग का काम। अब इस करो मिस्की, यहाँ पे रख दिया है मैंने पैन गरम होने के लिए। पोहा भी हमारा रेडी हो चुका है, अब यहाँ पे विस्क होना स्टार्ट हो गया है, ये कुछ इस तरह से विस्किंग करना है। आज मेरी तरफ से सबको पार्टी है, आज हमारे कस्तूरी की तरफ से सबको पार्टी है, सो फिर ये आप खा लेना। नहीं नहीं, केक की पार्टी, इसकी पार्टी। केक मिलेगा, शाम को केक मिलने वाला है, आ जाना। ओके, सो विस्किंग कैसे करनी है मैं कस्तूरी को थोड़ा दिखा देती हूँ। इस तरह से इसे अब कस्तूरी करेगी, मस्ती बहुत है इनका, मस्ती करेंगे पहले। ये सारी चीजें जाएगी इस एग के अंदर, तो मैं डाल दूँ? नहीं, पहले विस्क कर लो अच्छे से। पैन है जो वो हॉट हो गया, हॉट थोड़ा सा। अब इसमें सॉल्ट ज्यादा नहीं, ए मत उसमें मत, ज्यादा नहीं डालेंगे बस, मिक्स इट। हाथ से टच करने की जरूरत नहीं थी, ऐसे डाल सकते हैं फटाक से। मिर्ची सब कुछ है इसमें, टमाटर यहाँ पे मैं टोमेटो है कट किया हुआ, इसमें ऑनियन है हम देख सकते हो गाइस, और कड़ी पत्ता है। कड़ी पत्ता मेरे खानों में हमेशा रहता है, इससे बाल जल्दी यू नो ग्रे नहीं होता। एंड कड़ी पत्ते को मैं हमेशा एक्चुअली हर एक जब भी वेजिटेबल्स बनाती हूँ उसमें जरूर मेरा कड़ी पत्ता होता ही है। और ये यहाँ पे हो गया अनियन एंड ऑल, सब मैंने नमक डाल लिया है, हम इसमें हल्दी नहीं डालेंगे, बस इसी तरह से इसे बनाएंगे। सो अब लेके चलते हैं कुछ इस तरह। यहाँ पर मैंने लिया है ऑयल, और ये मैंने ऑयल यहाँ पर लेना है, और बस ऑयल को थोड़ा अच्छी तरह से हम सब जगह पे स्प्रेड कर लेंगे और इसे थोड़ा सा गर्म कर लेंगे, थोड़ा सा और गर्म हो जाए। तो ये रहेगा सूर्य ने क्या बनाया एक से सेंटा, बिल्कुल सेंटा का फेस जैसे दिख रहा है ना बच्चों, देख लो। चलो बच्चों अभी हम अपना ये थोड़ा हॉट हो जाए तो बस, अब इसे थोड़ी थोड़ी सी करके हम डालेंगे। कसूरी ने आज काम किया, कसूरी आज बहुत थक गई है। कसूरी को ओवन चलाना भी बहुत अच्छे से आता है, तो अभी मेरा ओवन फिक्स नहीं हुआ है, ऐसे ही पड़ा हुआ है ओवन। ओवन को भी हम थोड़ी दिन में सेट कर लेंगे तो कुछ इस तरह से, और इसे थोड़ा फास्ट कर देते हैं। अभी पकना स्टार्ट हो चुका है, बस पलटने की बारी है। वो मैं बहुत आधा कोई नहीं, पेट में जाने वाला है, अभी पूरी तरह से तो नहीं निकलेगा,
और मेरा निकालने का स्टाइल भी थोड़ा अलग है, बट ये हो चुका है रेड। अब इसको फोल्ड करेंगे, इसे फोल्ड करेंगे रेडी हो चुका है, आराम से दो लोग खा सकते। बाकी के अंडों को भी हम इसी तरह से बना लेंगे। और ये रहा सेकंड स्टेप, सिर्फ सेम वैसे ही करना है। ये हो गया, फिर से हम वैसे कर लेंगे। ब्रेकफास्ट इज रेडी। कस्तूरी चुपके चुपके देखो क्या खा रही है। कस्तूरी क्या खा रहा है? पोहा। पोहा खा के बताओ कैसा लगा। ओके फाइन फाइन, हॉट है हॉट है। दो सेकंड वाले ओके से मैं पलटी करके ढाप करके हो गया। थोड़ा बहुत रहते टूट जाते तो ऐसे पलटी कर देने का, कुछ नहीं होता। ऐसे करके कर देने का। हो गया अपना काम रेड है। गाइस कल हमारा एक स्टोरी बनेगा, मॉम वर्सेस किड्स। उसमें आपको बताना है किड्स क्या करते हैं, चोरी चुपके या कुछ कर रहे, और मम्मी क्या करती है चोरी चुपके, उसमें क्या करती है मम्मी, देखना मत भूलना। अगेन शी विल से समथिंग। और यहाँ पे मैंने ग्रेट से किया है, ग्रेट सीख चुकी हूँ। बोलना पड़ेगा। कनिष्का बोल। ओके ये जी दही से क्या